देश भर में बढ़ रहे सब्जियों और अनाज के ऊंचे दाम के चलते देश में महंगाई की रिटेल दर बढ़ रही है। भारत की रिटेल महंगाई 3 महीने की गिरावट के बाद नवंबर में बढ़कर 5.55% पर पहुंच गई है। इसका कारण सब्जियों और अनाजों की कीमतें ऊंची हैं। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 4.87% रही थी, वहीं सितंबर में ये 5.02% रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में प्याज की कीमतें महीने दर महीने 58% बढ़ी, जबकि टमाटर की कीमतें 35% बढ़ी। इसके अलावा आलू की कीमतों में भी नवंबर में 2% की बढ़ोतरी देखी गई। खाद्य महंगाई दर 6.61% से बढ़कर 8.70% हो गई है। ग्रामीण महंगाई दर 5.12% से बढ़कर 5.85% हुई है। शहरी महंगाई दर 4.62% से बढ़कर 5.26% हो गई है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2024 में होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं के पेपर 13 मार्च को खत्म और 12वीं के पेपर 2 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। सीबीएसई परीक्षाओं की डेट शीट सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in पर या cbse.gov.in पर देखी जा सकती है। गुजरात के वडोदरा की भाजपा महिला काउंसलर का फेसबुक पेज हैक होने की जानकारी सामने आई है। हम आए दिन फेसबुक यूजर्स के अकाउंट हैक होने की घटनाएं सुनते रहते हैं। हमारे आसपास के कई लोग इस घटना का शिकार भी हो चुके हैं। ऐसी ही घटना आज गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 16 की भाजपा महिला काउंसलर स्नेहल पटेल के साथ हुई। स्नेहल पटेल का फेसबुक पेज हैक होने की जानकारी सामने आई है। फेसबुक अकाउंट हैक होने के चलते साइबर क्राइम में शिकायत की गई। काउंसलर द्वारा फेसबुक अकाउंट पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा हैक किए जाने की बात कही गई। हैकर्स द्वारा फेसबुक अकाउंट में कांग्रेस की पोस्ट शेयर की गई। मारू फेसबुक पेज जे हैक थई गयेलू पाकिस्तानी अंदर पाकिस्तान वाळाए एवुं बतावी रह्या छे के हैक थयेलू छे, एटले हैकर छे पाकिस्तानी छे, अत्यारे कांग्रेसनी पोस्ट मूकी रह्या छे। અને મને જાણ થતાં મેં સાયબરમાં પણ ફરિયાદ નોંધાવી અને ફેસબુકમાં પણ અમે મેલ કરેલા છે। હવે એ આગળની કાર્યવાહી એ લોકો કરશે। કોંગ્રેસની જાહેરાત કરી રહ્યા છે અને મારું છે, હું ભારતીય જનતા પાર્ટીની કાઉન્સિલર છું, એટલે મારી ભવિષ્યમાં મને નુકસાન ના પહોંચાડે એના માટે મેં સાયબર ક્રાઇમની અંદર ફરિયાદ નોંધાવેલ છે। 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચુનાવ કે બાદ રાજસ્થાનમાં મુખ્યમંત્રી કિસે બનાયા જાયગા ઉસ પર દેશભરની નિગાહે થી ઓર આખિરકાર આજ राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। भजनलाल शर्मा संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। वे मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल वे प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। पहले वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में शामिल माना जा रहा था। हालांकि धीरे धीरे उनका नाम सीएम पद की रेस से गायब हो गया। आज होने वाले विधायक दल की बैठक के लिए जब विधायक पहुंचने लगे तो कई लोगों के नाम रेस में चलने लगे। सीएम की रेस में दिया कुमारी, अनिता भदेल, कैलाश चौधरी सहित कई दिग्गजों के नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में चलते रहे, लेकिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी उस चेहरे को आगे कर दिया जिसका नाम चर्चा में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए नए नाम का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे, वहीं वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं, वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दुदू सीट से विधायक हैं। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के सभी नेताओं के साथ मिलकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे। गुजरात के वडोदरा में न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर
3.33 लाख रुपयों की ठगी करने वाले दो लोग साइबर क्राइम के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। 28 नवंबर को वडोदरा के एक युवक पर सोशल मीडिया पर अदिति अग्रवाल नामक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद दोनों के बीच चैटिंग हुई। लड़की ने युवक का मोबाइल नंबर लिया और उसे न्यूड वीडियो कॉल किया। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर जालसाजों ने लाखों रुपए की मांग की। मामले की शिकायत युवक ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में की थी, जिसके आधार पर राजस्थान के साजिद खान और माजिद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर वडोदरा कोर्ट में पेश कर 5 दिनों के रिमांड लिए हैं। હા અત્યારે આ લોકો અત્યારે તો વોટ્સએપ ન્યૂડ કલિંગના ફ્રોડ કરતા હતા, બટ એ ગામના કે જે કેમ કે અમે એ જે મોબાઈલ નંબર યુઝ થયેલા છે એમના IMEI ઉપરથી બીજું ઘણું બધું ટ્રેસ કર્યું હતું અને એમને 50 નંબર એવા મળેલા હતા જે એ એરિયામાંથી કે જેમના SDR એ વેસ્ટ બેંગાલ કા અથવા તો ઓડિશાના છે અને જ્યાંથી ફ્રોડ કરવામાં યુઝ કરી રહ્યા છે અને એમની જ્યારે અમે પ્રોફાઇલ ને બધું ચેક કર્યું તેમાંથી ઓઇલેક્સ ઇન્ડિયન આર્મીની પ્રોફાઇલ મળી છે ઘણી બધી। આ પર્ટિક્યુલર લોકોએ જે વડોદરાના અત્યારે 2 લોકોને ટાર્ગેટ કરેલા છે, એ ઉપરાંત અન્ય જે મેં પહેલાં બી કહ્યું કે 8 લોકોને અત્યારે એક્ટિવલી આ લોકો ફ્રોડ કરી રહ્યા છે। બીજું અમારી ટીમ જેટલા લોકોને કોલ થયેલા છે આમના મોબાઈલની ઉપરથી એમને બી સંપર્ક કરી રહ્યા છે કે એમની જોડે કોઈ આવો ફ્રોડ બનેલો છે કે નહીં, એને 14 સુધીના 5 દિવસના રિમાન્ડ મળેલા છે અત્યારે અને ત્યારબાદ એમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી મળી છે। જે મોટાભાગની વસ્તુઓ અમે રિકવર કરી લીધી છે અત્યારે, જે વિડીયો બનાવવામાં આવ્યા હતા અથવા તો એમને જે વોટ્સએપના સ્ક્રીનશોટ છે અમારી પાસે અથવા તો ફેસબુકમાં અલગ અલગ લોકોને જે મેસેજ મોકલવામાં આવે છે બ્લેકમેલ કરવા માટે, તો એમના સ્ક્રીનશોટને એ બધું અમે રિકવર કરી લીધું। થોડો ડિફર થઈ છે આમાં, કેમ કે આમાં ખાલી આધેડવય નહીં, આમાં યુવાઓ બી સંડોવાય છે, મિડલ એજની કોઈ વ્યક્તિઓ અથવા તો આધેડવયની કોઈ બી વ્યક્તિઓને આ લોકો ટાર્ગેટ કરતા હોય છે। આવા પ્રકારના ફ્રોડથી બચવા માટે સૌ પ્રથમ કાળજી એ રાખવી જોઈએ કે એવી કોઈ બી વ્યક્તિ જેને આપ પર્સનલી નથી ઓળખતા, એમની અગર ફેસબુકમાં કોઈ અજાણી યુવતી હોય કે યુવક હોય યા તો ઇન્ડિયન આર્મીની કોઈ પ્રોફાઇલથી આપને રિક્વેસ્ટ આવે છે તો આવી રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ ન કરવી જોઈએ।